नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 15 अगस्त 2024 गुरुवार का दिन है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष आज दशमी और एकादशी तिथि है। नक्षत्र आज है ज्येष्ठा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:40 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। आज का सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 5:39 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी सुबह 9:30 तक वृश्चिक राशि में, इसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:56 से लेकर शाम 4:49 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य ना करने तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि की दैनिक राशिफल की, और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, आज के दिन थोड़ा सा भारी है। वैवाहिक जीवन में कोई बाधा आ सकती है, कोई तनाव हो सकता है, मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपस में, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ शिकायतें आ सकती है, जैसे कि आपके जीवन साथी से या फिर लव पार्टनर से थोड़े से मिस अंडरस्टैंडिंग, तनाव, मनमुटाव। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम का बोझ भी, अनावश्यक चीज़ों जो हो रही हैं उनसे बचना होगा। कन्या राशि को आज किसी के कहने पर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना ले। आज आपको कुछ अपने क्षेत्रों में सफलता भी नहीं मिल पा रही है, खासकर वैवाहिक जीवन, लव लाइफ में। और वैसे भी अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कन्या राशि को स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान देना होगा आज के दिन, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। थोड़ा सा फिटनेस का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी पुरानी बीमारियां या फिर नए सिरे से चुकी मौसमी दिक्कतें भी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज के दिन यात्रा बिल्कुल ना करें, खासकर दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। और दोस्तों का साथ मिल रहा है, भाई बहनों का साथ मिलेगा, जिसके कारण आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज के दिन किसी की बातों में आकर कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट ना करें, वरना पैसे डूब सकते हैं। ज़्यादा किसी बाहरी व्यक्ति पर भी आज के दिन भरोसा ना करें, नहीं तो धोखा होगा। जैसे कहीं पर लॉटरी सट्टा में पैसा ना करें, और कहीं किसी के कहने पर किसी को उधार कर्जा ऋण में ना दें, तो ये चीज़ें संभल के रहना होगा। दस्तखत कहीं किसी पर साइन वगैरह ना करें। अगर हम आपके कैरियर की बात करें तो आज कैरियर में मेहनत करिएगा, तरक्की आपके कदम चूमेगी, यानी कि कैरियर में उन्नति के दरवाजे हैं और स्टूडेंट के लिए भी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज आपको पढ़ाई लिखाई पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, यानी आप जो पढ़ाई लिखाई करेंगे, विद्यार्थी कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर में 4 चांद लग जाएगा, नई जॉब की संभावना है। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो आज के दिन धन के मामले में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिसके कारण आज सफलता भी मिलेगी, मन भी अच्छा रहेगा, तमाम चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन आपको बस उधार कर्जा लेने देने से बचना है, यात्रा करने से बचना है। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में थोड़े से तनाव है, उसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखें। शेयर मार्केट में आपने अगर पहले से किया है तो ज़बरदस्त लाभ होगा। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से अगर आप जुड़े हैं या फिर आप पैसा वगैरह लगा रहे हैं रियल एस्टेट में, पहले से काम है, तो बहुत अच्छा लाभ होगा। सरकारी गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी लाभ हो सकता है। कोई धार्मिक स्थान ट्रेवलिंग कर सकते हैं विद फैमिली, या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम में आप हिस्सा पैसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन मान सम्मान भी मिलेगा, कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात होगी, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। पुराने कामकाजों को आज समय पर करेंगे, और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। बैंक से भी आज आपको लोन वगैरह मंजूर होगा, तो बहरहाल ठीक है। आज आपका शुभ रंग रहेगा हरा, भाग साथ निभाएगा 76%, और शुभ अंक रहेगा 3। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।